भारतमाला और सागरमाला ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स भारत देश में सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो आज बन रहे हैं उनमें से एक है। और इन दोनों प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन की ही बात की जा रही है ये भी काफी क्लियर है, लेकिन इनके गोल्स काफी अलग है जिसके कारण इन प्रोजेक्ट्स में डिफरेंसेस भी है और इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस है वो आज हम समझेंगे। भारतमाला 2015 में इनॉग्रेट किया गया था जिसका गोल था देश के कोने कोने तक अच्छी क्वालिटी के रोड को बनाया जाए जिसमें हर रीजन की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए स्पेशली रूरल एरियाज में। इस प्रोजेक्ट का गोल पैसेंजर्स को या फिर ग्राउंड लेवल पे जो सिटीजन होता है उसके लिए बेहतरी लाना था और इसके आउटकम के तौर पर बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को मदद करना था, यानी जनरल पब्लिक इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए मेन बेनिफिशियरी थी। जबकि अगर हम सागरमाला प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का गोल था कि देश के अंदर और स्पेशली देश के बाहर जाने वाले वाटर ट्रांसपोर्टेशन या शिपिंग को बेहतर करने के हिसाब से इस पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया था। इसके लिए कई सारे पोर्ट्स, शिपिंग रूट्स वगैरह बनाए जाने वाले थे और ऐसे ही इनिशिएटिव्स के द्वारा बिजनेसेस और एक्सपोर्ट में डील करने वाली इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में मदद हो, ये सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन गोल था। यानी इसे बिजनेस एंटरप्राइजेस के हिसाब से प्राइमरीली डिजाइन किया गया था जनरल पब्लिक से पहले। दूसरे अगर डिफरेंस को समझे तो वो है इन दोनों प्रोजेक्ट्स को हैंडल कौन कर रहा है। भारतमाला मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत आता है जबकि सागरमाला मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर रखा गया है और ये दोनों मिनिस्ट्रीज इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंटिन्यूसली काम करती रहती है। अगर हम बात करें मेन कंपोनेंट्स की जो इन प्रोजेक्ट्स को अलग बनाता है तो भारतमाला के अगर कुछ हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर नेशनल कॉरिडोर्स यानी जो हमारे नए एक्सप्रेसवेज वगैरह बन रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जब भी इस तरह के एक्सप्रेसवेज बनते हैं तो इसके आसपास इंडस्ट्रीज को खड़ा करना, लॉजिस्टिक्स पार्क्स जहाँ पर सेग्रीगेशन, सॉर्टिंग और एक मल्टी मॉडल हब बने, इस तरीके के कई लॉजिस्टिकल हब्स भारतमाला के अंतर्गत प्लान किए गए हैं और स्पेशली यहाँ पर एक स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी पर। तो भारतमाला के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे जैसी कई सालों से इग्नोर्ड नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी है उस पर ध्यान दिया जाएगा, यहाँ के लोगों के लिए ही नहीं लेकिन देश की सुरक्षा को भी बेहतर करने के लिए। इस पूरे प्रोजेक्ट का एक अल्टीमेट गोल ये रखा गया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कैपिटल्स हैं उन्हें एटलीस्ट 4 लेन रोड्स के साथ में जोड़ दिया जाए, जो स्टेट कैपिटल्स है वो 6-8 लेन रूट से जुड़े और हर रूरल जगह पर एटलीस्ट 2 लेन की पक्की सड़कें बनी हो ताकि देश में कहीं पर भी खराब वाली सड़कें आपको नजर नहीं आए। आप ऐसा कह सकते हो कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बहुत ही बड़े मेगा प्रोजेक्ट से लेकर नॉर्मल गांव के अंदर जो सड़कें बनाई जाती है वो सब कुछ इंक्लूडेड है एक ही अम्ब्रेला के अंदर। लेकिन सागरमाला इस वाले पार्ट में यहाँ पे बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। सागरमाला की बात करें तो इसके जरिए देश में बहुत बड़े लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को डेवलप करने का गोल रखा गया है। एक्सपोर्ट्स को सीमलेस बनाना और सस्ता बनाना सागरमाला का गोल है। इसके लिए यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं ये ज्यादातर बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। इसके अंदर कई सारे मेगा पोर्ट्स जो हमारे देश के एग्जिस्टिंग किसी भी पोर्ट से ज्यादा बड़े होंगे, इनफैक्ट दुनिया भर के कुछ सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक होंगे। कोस्टल कम्युनिटीज को डेवलप करना, स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स पार्क सेटअप करना जो कई हजार एकर्स में फैले होंगे, शिपिंग इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स के लिए लगने वाला सामान, इस इंडस्ट्री को भी बड़े पैमाने पर पूछ देना, ये सागरमाला के गोल है। और भारतमाला जैसे छोटे लेवल तक सागरमाला नीचे नहीं जा पाता और सिर्फ ऊपरी बड़े लेवल पर ये काम करते हुए नजर आता है इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस के साथ में। भारतमाला का अल्टीमेट गोल है कि 2022 तक देश भर में 35,000 किलोमीटर के नए रोड्स बनाए जाए और रूरल कनेक्टिविटी को कई गुना बेहतर कर दिया जाए। जबकि सागरमाला का गोल है कि 2025 तक देश में कई सारे पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स के जरिए अपॉर्चुनिटीज ओपन करना, नए इंडस्ट्रीज को इनवाइट करना, हर सेक्टर में ग्रोथ दिखना और देश की ओवरऑल एक्सपोर्ट को बढ़ाना। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसके कारण भारतमाला और सागरमाला ये दोनों काफी अलग प्रोजेक्ट्स है ऐसा हमें समझ में आता है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को अगर हम और डीप एनालिसिस के साथ में देखें कि इनमें एक एक प्रोजेक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो उसकी भी स्टोरी काफी ज्यादा अलग हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक बेसिक कंपैरिजन था और ये रही आज की वीडियो। आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्रॉबेबली फ्यूचर में मैं भारतमाला और सागरमाला दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर सेपरेटली इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना और मिलेंगे अगले वीडियो में।